मम्मी बाहर निकलेगी कि? अरे यार वो साड़ी खा वो निकला हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो ये जो आज का ब्लॉग है ये संडे का ब्लॉग है और ये मॉर्निंग का एकदम टाइम है, मतलब कि 7:30 बज रहे होंगे लगभग। तो आज मेरा फास्ट है, सप्तमी का फास्ट है, तो फिर उसके लिए मुझे आज जल चढ़ाने जाना है। और आज जल चढ़ाना क्या हुआ, मतलब कि एकदम से आफत आ गई, बस किसी तरह से मैंने जल चढ़ा लिया, क्योंकि वहाँ एक्चुअली आ गई थी, दो गिलगिटान आ गई थी। तो गिलगिटान आप जानते होंगे ना, तो बस छिपकली की तरह जो होती है, तो जहाँ पर मतलब नीम के पेड़ में मुझे जल चढ़ाना। तो अभी आपको मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ में। तो सामने वहाँ पर जहाँ पे हमारे गाय भैंस रहती है ना, वहाँ पे नीम का पेड़ लगा है, तो वहीं पे जाऊँगी जल चढ़ाने के लिए। तो साथ साथ में मेरे गुनी शरद भी जा रहे हैं, बस ये सामने ही जस्ट है एकदम। तो यहीं पर मुझे जल चढ़ाना था, तो जैसे ही मैं जल चढ़ाना स्टार्ट की ना, तो वहाँ पे गिलगिटान थी। तो अभी आप देखिएगा, तो इस वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत करिएगा। तो पहले मैं उस साइड जा रही थी, वहाँ छोटा सा नीम का पेड़ है ना, तो वहाँ पे जल चढ़ाना था। तो अम्मा बोली कि नहीं, उसमें मत चढ़ाओ, रहने दो, ये तो बहुत छोटा है। तो दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अब धीरे धीरे, तो उसमें अम्मा बोली कि चढ़ाने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर चढ़ाने गई, तो अभी आप देखिएगा वहाँ पर गिलगिटान देखते ही मेरी तो एकदम से मतलब सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तो आगे चलिए, आप भी देखिए वीडियो को। अरे अरे है इसमें, नहीं खा लेता यार। देखिए पानी बाहर निकलेगी कि? अरे यार क्या हुआ, मत मारो, बेचारी इतनी छोटी सी है। अच्छा आप लोग डरा देते हैं, तो कहे क्या है। अरे झक्की है, डरती नहीं तुम, तुम्हें इतनी छोटी बकरी को जोर से मारे बेचारी को। वो निकला दो चला भैया, यह गिर गई। तो देखा आपने, आज मेरा जल चढ़ाना क्या हो गया एकदम से, मतलब कि चिल्ला चिल्ला कर गुनी के पापा भी गुस्साने लगे कि कितना चिल्लाती है। एक्चुअली पहली बार में क्या हुआ कि एक छोटी सी बकरी आ गई थी, तो वो फूल का जो मतलब पौधा है उसे खाने जा रही थी, तो वो उसके लिए चिल्लाया, तो हम इतनी तेज़ चौंक गए थे, मुझे लगा जैसे सांप हो। तो ऐसे ही था, तो ऐसे ही मैंने जल चढ़ाया, मतलब बस समझो चढ़ाया किसी तरह से। और ये टाइम जो है देखिए, यहाँ पर दोपहर का टाइम है, खाना वाना सब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं भी चल रही हूँ कुछ खाने, यहाँ पर आलू है, पापड़ है, खीरा मैंने काट लिया है और दही का शरबत है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है मतलब खीरा काट के। हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो ये शाम का टाइम है और जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा फास्ट है, आज है सप्तमी। तो बच्चों के लिए रखते हैं ये व्रत, मतलब बेटों के लिए, बच्चों के लिए। वैसे तो ये ज़माना नहीं है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो शुरू से चली आती है ना, हमारे मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पुराने लोग जो नियम बना देते हैं, हमें तो वो फॉलो करना ही रहता है। तो पहले के ज़मानों में बेटों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है, बेटे बेटी सब बराबर हैं। तो बस वही आज मेरा व्रत है। तो अब इवनिंग का टाइम है और चाय हमारी हो गई है और बच्चे पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। और अब चल रही हूँ मैं किचन में और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर दो प्याजा। तो काफ़ी दिन हो गए थे, इस बीच मैंने मतलब वीडियो नहीं डाली, तो आज मैं मतलब पनीर की सब्ज़ी बनाने चल रही थी, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पनीर दो प्याजा, और आप कैसे बनाते हैं पनीर दो प्याजा ये भी बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और मैं जैसे बनाती हूँ इस तरह से आप ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में ना दही ले लेंगे, तो ये फ्रेश दही है इसलिए मैंने 3-4 चम्मच ले ली थी, आपकी खट्टी हो तो थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और धनिया पाउडर डाल दिया है बहुत, मतलब एक चम्मच छोटे छोटे चम्मच से ही डालना है, बहुत ज़्यादा मसाले यहाँ यूज़ नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा जो है मतलब चुटकी भर गर्म मसाला और रेड चिली पाउडर, ये सब चीज़ें मतलब अंदाज के ही। और यहाँ पर ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और साथ ही साथ इसमें अब हम डाल देंगे ये है लहसुन कूटकर, मैंने ऐसे ही डाल दिया है। इसके बाद 2 चम्मच इसमें लगभग हम डालेंगे बेसन। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा ही मैंने 1 चम्मच लगभग डाल दिया है सरसों का तेल, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें यहाँ पर मैंने ली है पनीर, इसे बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है, आप छोटे भी काट सकते हैं, मैंने फ़िलहाल बड़े पीसेस काटे हैं इसके। तो इसे बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है और लगभग 10-15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रख देना है।
तो 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, बहुत थोड़े छोटे चम्मच से, और उसके बाद इसमें इस पनीर को डाल के ना इसे 2-3 मिनट के लिए हम हल्का सा जैसे भून लेंगे, हल्का सा जैसे पक जाए, बस इसका कच्चापन जो बेसन वगैरह है मसाला है इसका कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए कलर चेंज हो चुका है ना। तो अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दूँगी वापस से 2 चम्मच तेल, जैसे नॉर्मल सब्जी में तेल डालते हैं वैसे ही। और उसके बाद इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा आधी चम्मच लगभग जीरा डाल देंगे, और इसमें हम इसके बाद डालेंगे बड़ी इलायची और दालचीनी। तो ये देखिए दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची मैंने ऐसे ही डाल दिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे भून लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पर 2 तरह से हम प्याज डालने वाले हैं। तो पहले तो अभी यहाँ पर हम चॉप करके डाल रहे हैं एकदम बारीक, और इसे हल्का सा भून लेंगे, बहुत इसे हमें रेड नहीं करना है, बस इसे कच्चापन निकल जाए, हल्का सा गोल्डन हो जाए बस। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, सारे बेसिक मसाले, जैसे धनिया डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सूखे मसाले डाल दिए, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और इसके बाद इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जस्ट इसमें 2 मिनट चलाने के बाद ना इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर बड़े वाले, और इसके बाद इसे मतलब मिक्स करके और अच्छे से, और हाँ टमाटर डालने के बाद ना इसमें नमक तुरंत डाल देंगे, जितनी भी सब्ज़ी में हमें नमक चाहिए ना इसी समय हम डाल देते हैं मसाले पे। तो बस इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है, और ढक देंगे इसे लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर, और जो है अच्छे से इसको भूनने देंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ढकने पे ना इसका फ्लेवर जो है ना इसमें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग 1 कप पानी, ज़्यादा इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत पतली नहीं करते, 1 कप डाल देंगे, नहीं थोड़ा सा और डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से जो है पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है एक बॉयल आ चुका है, अच्छे से पक चुका है। अब इसमें यहाँ पर मैं दूसरी प्याज डाल रही हूँ, इसे मैंने क्यूब्स में काटा है, मतलब इसकी एक एक परत निकाल के, और यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने लंबी कट करके डाल दी ऊपर से, और गरम मसाला साथ ही साथ यहाँ पर डाल देंगे, और 2 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई यूज़ करेंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, और एक बार इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे, जिससे कि जो हमारी जो प्याज है ना ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये प्याज बहुत लोग स्टार्टिंग में भी डालते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में डालने पर ना तो फिर एकदम से गल जाती है, थोड़ा सा इसका क्रंचीनेस रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस ये पक चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे ये अपनी पनीर, जो ग्रेवी वाली मसाले वाली पनीर थी, और इसको मिक्स करके बहुत हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे, और एक बार इसे 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। तो फाइनल हमारी सब्जी रेडी है, धनिया की पत्ती डालेंगे, सर्व कर सकते हैं आप इस समय, थोड़ी देर इसे रेस्ट करने देते हैं। तो ये देखिए रेस्ट करने के बाद हमारी सब्जी का कलर आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, कितनी टेस्टी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर शाम भी हो चुकी है, तो अब मैं जो है यहाँ पर दिया हुआ जला चुकी हूँ मंदिर में। तो अब यहाँ पर वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो कैसी लगे प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तो बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।